एक बड़ी खबर आपको बता दें, हमास से जंग के बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल की सेना ने गाजा के रतीसी अस्पताल के नीचे सुरंगों का जाल मिलने का दावा किया है। हमास की इन्हीं सुरंगों में 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इजराइलियों को रखे जाने का भी दावा है। इजराइल की सेना को अस्पताल के नीचे बनी सुरंग से हथियारों का भी जखीरा मिला है। इजराइल की सेना को सुरंग के अंदर बंधकों का काफी सामान भी बरामद किया गया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर यानी कि वो दिन जब हमास की तरफ से पहला अटैक किया गया था, ऐसे में बड़ी तादाद में वो लोग थे जिन्हें बंधक बनाया गया और उन बंधकों को, उन लोगों को यहीं पर रखा गया है। ये बहुत बड़ा दावा इस वक्त किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बताया ये भी गया कि इन्हीं सुरंगों में हथियार भी बरामद किए गए हैं, यानी कि यहीं से आगे की रणनीति तैयार की जा रही थी और इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल बार बार जो खबर मिल रही थी उसके मुताबिक, और खास तौर पर अस्पताल का इस्तेमाल, क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए अस्पताल को ही लोगों को ढाल बनाकर, क्योंकि वो जानता है, हमास के आतंकी जानते हैं कि ऐसी जगहों पर अगर इसराइल हमले करता है तो फिर पूरी दुनिया भी यहाँ पर सवाल उठाने वाली है। अब इजराइल की सेना गाजा में तो घुस चुकी है, लेकिन अब वही हो रहा है जिसका खतरा नेतन्याहू को इससे पहले था। हमास का दावा यह है कि उसने इजराइल के 150 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। गाजा में लड़ते हुए इजराइल की 44 सैनिकों की मौत हो चुकी है और अब हमास के बारूदी जाल में उसके कई कमांडो फंस सकते हैं। गाजा में इजराइल का मरकावा टैंक घूम रहा है जैसे किसी जंगल में शेर घूमता है, आजादी से, पूरे दबदबे से, और जहां चाहे किसी का भी शिकार करता है। मरकावा टैंक गाजा के खंडहरों के बीच एक एक कोने को तलाश रहा है। मरकावा टैंक को जहां हल्की सी भी हरकत दिख रही है वहां वो गोला फायर करता है। इजराइल की यह बख्तरबंद वाली पावर रात में भी हमास पर नजर रख रही है। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवा हमला, छठा हमला, सातवां हमला, एक मिनट 3 सेकंड का ये वीडियो गाजा के उस जमीन से आया है जहां इजराइल का कब्जा हो चुका है। इजराइल ये बताना चाहता है कि उसका मरकावा टैंक अभी जिंदा है। अभी उसने उत्तरी गाजा में चढ़ाई कर दी है। हर टैंक के निशाने पर है हमास। इजराइल का टैंक हर एक दुश्मन को चुन चुन कर मार रहा है। इजराइल का दावा है कि उत्तरी गाजा पर हमास की पकड़ कमजोर पड़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच है? आखिर इजराइल को बताने के लिए ये वीडियो जारी करने की जरूरत क्या पड़ी कि ग्राउंड ऑपरेशन में उसकी सबसे बड़ी ताकत मरकावा टैंक अभी भी बहुत एक्टिव है और दुश्मनों पर प्रहार कर रहा है। इसे काउंटर करने वाला हमास का वीडियो देखिए। खंडहर बन चुके गाजा की एक इमारत से दिखाई देता है इजराइल का मरकावा टैंक। हमास मोर्चा संभालता है और फिर छुप कर फायर करता है यासीन रॉकेट। एक टूटे हुए दरवाजे के बाहर रॉकेट ताना जाता है और फिर वहां से खड़े इजराइल के एक टैंक पर यासीन एंटी टैंक रॉकेट डाल दिया जाता है। तीसरा हमला भी आड़ से किया जाता है। टारगेट पर इजराइल का टैंक है और हमला भी यासीन रॉकेट से किया जाता है। हमास का यह रॉकेट पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बन गया है। चौथा हमला सड़क के पास खड़ी एक नेमर बख्तरबंद गाड़ी पर किया जाता है। इसमें 9 सैनिक बैठते हैं, इसलिए नुकसान का अंदाजा लगाइए। पांचवें हमले के लिए हमास का एंटी टैंक दस्ता फिर गली में आता है। इसके गली के एक मुहाने पर खड़े इजराइल के मरकावा टैंक को यासीन रॉकेट से टारगेट किया जाता है।
हिज़्बुल्लाह। छठे हमले के लिए फिर यासीन टैंक से निशाना साधा जाता है। रोड की दूसरी तरफ एक मसावा टैंक और फिर धमाका एक दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता है। सातवां अटैक बहुत ही खतरनाक है। हमास का एंटी टैंक दस्ता फिर से नेमर बख्तरबंद गाड़ी से टारगेट करता है। दूरी सिर्फ 20 से 25 मीटर। आठवां हमला एक बुलडोजर पर होता है। ये है इजराइल का बख्तरबंद बुलडोजर D9। हमास इस पर रॉकेट से वार नहीं करता, बस इस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के सबसे घातक 160 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को अल यासीन रॉकेट से फोड़ दिया है, जबकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उत्तरी गाजा में इजराइल के 88 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। वहीं अल कसाम ब्रिगेड का दावा है कि 25 टैंक तो सिर्फ पिछले 48 घंटे में तबाह हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि गाजा की गलियों में कुछ ऐसी आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा में स्ट्रीट फाइट हो रही है। गाजा के अंदर तक घुसी इजराइल की सेना ऐसे निशाने पर आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल के टैंक को ऐसे उड़ा रहा है हमास। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड हमास के लड़ाके ऐसे छिप कर वार कर रहे हैं। इन सब हमलों में हमास का यासीन रॉकेट इजराइल के लिए बहुत बड़ा खलनायक बनकर उभरा है। यासीन रॉकेट कैसा होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह रॉकेट एक तरह से RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का ज्यादा खतरनाक वर्जन है, जो रूस के PG-7VR की नकल कहा जा सकता है। इस रॉकेट में 2-स्टेज वॉरहेड लगे हैं, यानी इसमें दो जगह विस्फोटक होते हैं, जिसे टैंडम वर्जन कहा जाता है, यानी एक विस्फोटक आगे होता है जबकि पीछे की तरह 105 मिलीमीटर में बड़ा विस्फोटक होता है। टैंक में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कवच को पहला विस्फोटक भेद देता है, जिसके बाद 105 मिलीमीटर वाला वॉरहेड बड़ा ब्लास्ट करता है और ये किसी भी टैंक के बख्तर को भेद सकता है। एक बार ये वॉरहेड टैंक में घुसता है तो समझ लीजिए अंदर जो भी होगा वो जल जाएगा, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसी रॉकेट से 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के टैंक पर हमला किया था। हमास के नए नए वीडियो आ रहे हैं जिसमें गली मोहल्लों से युद्ध दिखाया जा रहा है। हर जगह यासीन रॉकेट ही हमास का सबसे सटीक हथियार साबित हो रहा है। इस वीडियो में भी हमास के एंटी टैंक दस्ते अचानक सामने आते हैं और खंडहर बन चुके इमारतों से इजरायली टारगेट पर यासीन रॉकेट दाग देते हैं। इस रॉकेट को हमास ने अब अपनी जरूरत के मुताबिक तैयार कर लिया है और वो इजराइल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इससे हमला कर रहा है। दुनिया भर में ये किसी भी मिलिशिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी बड़े एंटी टैंक मिसाइल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन तबाही उतनी ही मचाता है। यासीन रॉकेट का नाम हमास को कायम करने वाले शेख अहमद यासीन के नाम पर रखा गया है। 2004 में इजराइल ने एक हमले में शेख अहमद यासीन को मार डाला था, लेकिन अब इस रॉकेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके हमास ने एंटी टैंक दस्तों में इसकी सप्लाई तेज कर दी है।